नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। आई होप सब सही चल रहा होगा। आवाज़ सही आ रही है, देख लेना ठीक है। चलिए सब बढ़िया, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम ग्रामर डिस्कशन में चल रहे हैं अभी, ठीक है। 180 नंबर के जो हैं सेकंड ग्रेड में ग्रामर है ना, उतने ही लगभग नंबर की फर्स्ट ग्रेड में है। ग्रामर पार्ट ऐसा कर लो, ग्रामर पार्ट तो ऐसा कर लो कि मतलब 180 आउट ऑफ 180 कि आपके पास रहें, ऐसा होना चाहिए। यानी 180 नंबर में से लगभग आपको 170 नंबर तो लाने कि ग्रामर पार्ट का आपका मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी ग्रामर, है ना। बिकॉज यू आर ऑल्सो गोना बी अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो एक्सपर्टीज इन ग्रामर सेक्शन इज नो शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, होनी चाहिए बिल्कुल आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए कि ग्रामर तो मेरी एक्सपर्टीज है। लिटरेचर है, लिटरेचर थ्योरेटिकल पार्ट है, एवरीवन हैज टू यू नो जस्ट कीप रिवाइजिंग इट। लिटरेचर पार्ट है, सभी को लगभग रिविजन उसका कंटिन्यू करना होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मतलब एवरीबडी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच बोल दो उसको, इसी को आप नरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नरेशन भी बोल सकते हैं। टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसमें स्पीच पर बात की जा रही है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों स्पीच है, यानी दोनों सेंटेंस। यहाँ पर स्पीच का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पीच का मतलब क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीच है, स्पीच का मतलब क्या है, वे टू स्पीक समथिंग, द वे टू स्पीक समथिंग इज कॉल्ड, कुछ भी चीज आप बोल रहे हैं, बोलने का जो तरीका है, ठीक है, या जो बोला गया है, क्या है, स्पीच है। अब कितने तरीके से बोला जा सकता है, दो तरीके से। एक होगा डायरेक्ट स्पीच, एक होगा डायरेक्ट स्पीच, और एक है बोलने का तरीका इनडायरेक्ट स्पीच। आप भी अपने दोस्तों से जब बात करते हैं तो कभी हम स्लाइटली मतलब थोड़ा सा कम मात्रा में डायरेक्ट स्पीच काम में लेते हैं, ज़्यादा इनडायरेक्ट स्पीच काम में लेते हैं। यानी डेली कॉन्वर्सेशंस जो हैं उनमें तो काम आता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो मूवीज हैं, फिल्म्स हैं, ड्रामास हैं, स्टेज शोज हैं, उनमें काम आता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है सर। डायरेक्ट स्पीच का मतलब वैसे बचपन से आप समझते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेन चीज़ पर बात करूँगा। डायरेक्ट स्पीच क्या है, किसी के शब्दों को मतलब एज इट इज आप दूसरे को कन्वे कर दें, टू कन्वे द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ समवन टू समवन, ठीक है। किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को आप किसी को कन्वे कर रहे हैं, सेम टू सेम। यार वो लड़की तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, मैं उसे जान से मार दूंगी, जब मैं उसे जान से मार दूंगी,
मैं आपने यूज किया है ना, आप खुद के लिए थोड़ी यूज कर रहे हैं, उस लड़की के लिए यूज कर रहे हैं। आपने जो वर्ड काम में लिया या जो स्पीच का तरीका काम में लिया, वो तरीका क्या है? डायरेक्ट। पर आप ऐसे बोले, यार वो लड़की तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी कि भाई साहब वो तुझे जान से मार देगी, वो तुझे जान से मार देगी। तो अब उस लड़की के लिए वो शब्द काम में ले रहे हैं, यानी आपने उस मैं को वो में चेंज कर दिया, यानी आपने कौन सा स्पीच काम में लिया? इनडायरेक्ट। To convey someone's message in your own words is the way, है ना, which is called indirect। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनको हमें समझना है, लिख लेते हैं हम। कन्वे द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ समवन टू समवन, ठीक है। ये तो कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। कन्वे समवन्स मैसेज इन योर ओन वर्ड्स, आपकी खुद के शब्दों में अगर आप किसी के मैसेज को कन्वे कर रहे हैं किसी दूसरे को, तो कन्वे समवन्स मैसेज इन योर ओन वर्ड्स, आप खुद के शब्दों में किसी का मैसेज कन्वे कर रहे हैं यानी किसी को बता रहे हैं, वो कौन सा स्पीच हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से हम दो सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक में, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। कि डायरेक्ट स्पीच से अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो सर कैसे बनाएंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन, यानी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचर ग्रेड एग्जाम, और टीचर ग्रेड एग्जाम की खासियत है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल डायरेक्टली ही पूछेगा ऐसा नहीं है। एग्जामिनर कैन आस्क डेफिनेशन पार्ट ऑल्सो, डेफिनेशन पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं हर टॉपिक में आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। तो डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है कि क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, क्या नहीं हो सकती, एडवर्ब की क्या होती है, क्या नहीं हो सकती, नाउन की क्या है, क्या नहीं हो सकती, डायरेक्ट स्पीच क्या है, क्या नहीं है, और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है, क्या नहीं हो सकती है। डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कौन से जो रूल्स हैं, स्टेटमेंट्स, वो जो रूल्स है वो आपको याद रखने हैं। हो सकता है इनमें से आपको दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not true or is true, ना, about direct speech, direct speech के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे आप, तो वो सारे नियम आपको आने चाहिए, है ना, सारे नियम डेफिनेशन वाइज आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। डायरेक्टली अगर पढ़ाना होता तो मैं अब तक तो रामायण छेड़ता नहीं, डायरेक्टली शुरू कर देता, समझेंगे बात को। तो एक बार यहां तक जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे बिल्कुल उसी तरीके से आप एक बार इसको कॉपी करो।
बात। अब पहचान लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से पहचान, इस पर बात करें। पहचान जरूरी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिखा जा सकता है, क्या डायरेक्ट स्पीच में भी इन्वर्जन पॉसिबल है जैसे हम एडवर्ब में करते हैं या कंजंक्शन वाले पार्ट में करते हैं ना, क्या ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले एक डायग्राम में बनाता हूँ, स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। स्ट्रक्चर से समझते हैं और स्ट्रक्चर में क्या क्यों कैसे होता है सारी चीजों पर हम बात। एक बात, हमारे पास क्या है, दो स्पीच होंगे, दो सेंटेंस होंगे, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं यहां से, इस तरीके के हमारे पास दो क्लोज होंगे, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लोज, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब ये दोनों क्लोज मिलते हैं तो कंपाउंड नहीं बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। जब भी रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड क्लोज जो है जब आपस में दोनों मिलते हैं तो कौन सा सेंटेंस बनता है, याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, यानी व्हेन वी जॉइन और व्हेन वी कनेक्ट, व्हेन वी ना एडजॉइन दीज टू क्लोजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज फॉर्म्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सर। अब देखो पहचान, देखो इस सेंटेंस में तो देखो डबल इनवर्टेड कॉमा है, यहां पर कुछ नहीं है, यानी ये ओपन है, यानी यहां होगा बात बोलने वाला स्पीकर, यहां होगा लिसनर, और यहां हो गई वो बात जो बोली गई है। वॉट स्पीकर सेज, जो ये स्पीकर कहता है तो हम कहां रखते हैं, इस इन्वर्टेड को हम रखते हैं। गांधी जी ने कहा करो या मरो, डू और डाई, तो उसको किसमें लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कही गई बात है, तो डेफिनेशन पार्ट है, डेफिनेशन को डबल इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको सिंगल कोमा में आप रख सकते हो, अलग से दिखा सकते हो। डबल इन्वर्टेड कोमा कब काम आता है, जब आप किसी डेफिनेशन को, किसी के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स को किसी दूसरे को जब हम बता रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमा में रखना जरूरी हो जाता है। ठीक बात, ये बात क्लियर हो गई सर। यहाँ पर स्पीकर होगा, यहाँ पर लिसनर होगा, यहाँ पर स्पीकर क्या कहता है लिसनर से वो होगा, इसलिए इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। लिखना नहीं है लास्ट में, लिखना अच्छे से, बिल्कुल नहीं लिखना है बीच में, बीच में लिखे तो गड़बड़ हो जाएगी। रिपोर्टेड क्लोज,
अच्छे से समझ लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा ये, लाइफ टाइम के लिए आपको ये याद रहेगा, लाइफ टाइम आपको इसको नहीं भूल सकते, ये गारंटी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक बार इस तरह से आप पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। स्पीकर और लिसनर, रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड क्लोज, ठीक सर। अब क्या बात बाकी रह गई, ठीक ये बात हो गई। कौन सा कलर लें, इन बचाना, ठीक सर यहां तक बात हो गई। स्पीकर क्या होगा, ये क्लोज है, ये क्लोज है तो क्लोज का क्या है, सब्जेक्ट है, बीच में जगह है, ये जगह किसके लिए आएगी, वर्ब के लिए आएगी, वर्ब के लिए जगह आएगी। लिसनर कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लिसनर कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, स्पीकर कौन होगा, सब्जेक्ट। ये क्लोज है, कौन सा क्लोज है, रिपोर्टिंग क्लोज, ठीक है। इसका मतलब होगा कि इस आदमी ने इस आदमी से कहा, ये आदमी इस आदमी से कहता है, ये आदमी इस आदमी से कहेगा, तीन ही तो समय है हमारे पास जिसमें काम हो सकता है कहने का, कहना, बताना, पूछना, इंक्वायरी करना, कोई भी चीज, आदेश देना, कोई भी चीज, तीन समय में हो सकती, ठीक है सर। ये जो रिपोर्टेड क्लोज है, ये जो रिपोर्टेड क्लोज है, इसमें क्या बात होगी, व्हाट स्पीकर सेज, जो सब्जेक्ट कहता है वो बात। क्या सर ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट से शुरू होगा हमेशा, क्या ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, डज दिस सेंटेंस, डज दिस क्लोज स्टार्ट विद सब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों सर, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अच्छे से समझना, लाइफ में नहीं भूलोगे, गारंटी है। जब आप बच्चों को पढ़ाओगे मजा आएगा आपको, इस तरीके से पढ़ाओ, ठीक है सर। व्हाट स्पीकर सेज, रिपोर्टेड क्लोज, हाउ टू आइडेंटिफाई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पहचाने। कोई प्रश्न भी पूछ ले कि यार क्या है, क्या हो सकता है यहाँ, क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है, कौन सी चीज क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, आपको बिल्कुल हर चीज का कंसेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि बस आप ठीक है हमें जी रहे हैं, ठीक है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं, ठीक है सर। यहां पर तीन टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, क्या कितने टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, तीन टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, कितने टाइप के, तीन टाइप के। एक तो यहां पर हो गया असर्टिव सेंटेंस, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्टार्ट्स विद एचवी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एंड देन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है वो, यानी जब हमारे फीलिंग्स को जब हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई कांड कर दिया, घर वाले आपको कूटे, तो मुंह से क्या निकलेगा, अरे बार रे, अरे काका रे, और मर गयो रे, ओ जी गयो रे, ऐसे जो अचानक जो निकल रहे हैं ना शब्द, एक्सीडेंट हो गया और ओ फुर, ऐसे ये जो शब्द अचानक अपने मुंह से निकलते हैं, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी है, सेंटेंस भी है, पूरा बोलेंगे सेंटेंस है, छोटा सा शब्द बोल के रह जाएंगे तो वर्ड है। इस तरीके के तीन सेंटेंस हमें मिल सकते हैं किसमें, अच्छा ये जो पूरी पहचान सर आपने लिखी, इन्वर्टेड कॉमा होना, ये सिंगल जो कॉमा है, सिंगल कॉमा ने क्या किया हुआ है बेचारे ने, सिंगल कॉमा ने क्या किया हुआ है बेचारे ने, ये बताया हुआ है कि भाई साहब ये तो है बात करने वाले
व्यक्ति और ये है क्या बात हुई ये वो, दोनों को ऐसे ऐसे अलग कर रखा है। जब सामने वाला कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को ये बात जाके बोलेगा ना, तो क्या करेगा वो, इतने सारे तामझाम नहीं लगाएगा, वो कॉमा भी हटा देगा, ये भी हटा देगा, बीच में कोई कनेक्टिव, बीच में कोई लिंकिंग डिवाइस, बीच में कोई कंजंक्शन जोड़ देगा, लिंकिंग वर्ड जोड़ देगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। तो ये पहचान किसकी हो गई सर, ये पहचान हो गई डायरेक्ट स्पीकर। ठीक है, कहने के लिए हम एक और बात लिख लेते हैं कि सर इसको, ये जो वर्ब है, वर्ब है, वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जिस वर्ब में कहा गया है, जिस समय में कहा गया है ये वाली बात, समय हमें यहां से पता चलेगा, समय यहां से पता चलेगा। और इसको बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे, वाले पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात बताओ, इनडायरेक्ट स्पीच की बात के लिए वापस आ जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारे पास दो ही सेंटेंस है, लेकिन क्या चेंजेस हैं, क्या दिक्कत है, उस पर बात कर लेते हैं। समझ लो, पहले लिख लेना है ना, टेंशन ना लो आप। ठीक है सर, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, या ये सब्जेक्ट आ जाएगा, या सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब आ जाएगी यहां पर, बस इसमें परिवर्तन होगा, वर्ब में चेंज होगा, वर्ब में क्या होगा, चेंज होगा। तरह से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो हम चेंज वाला पार्ट लिख सकते, इसी तरह से लिखना है इसको। Changed verb, changed verb, अभी कैसे चेंज होगी वो हम देखेंगे आगे। क्या सर ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, नहीं, बोलने वाले और सुनने वाले में तो क्या बोले, क्या परिवर्तन करेंगे, अरे भाई बोलने वाले और सुनने वाले के नाम में तो क्या परिवर्तन करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, सेम है सर। ठीक है सर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरह से अपने को लिखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते समय क्या नहीं हुआ सर, ये जो स्पीकर था और जो लिसनर था इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। रिपोर्टिंग क्लोज में केवल वर्ब में हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, यानी बोलने वाले और सुनने वाले में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। There is no change happening in speaker or listener of reporting clause, right? आगे बढ़ते हैं। क्या ये कोमा उमा रहेंगे? ये हट जाएगा, ये हट गया, इसकी जगह क्या लगाएंगे? जगह लगेगा लिंकिंग डिवाइस या लिंकिंग वर्ड, ऐसा शब्द जो कि दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, ऐसा वर्ड जो कि दो सेंटेंस को जोड़ सकता है वो कहलाता है लिंकिंग वर्ड। देख लेता हूँ यहां तक दिख रहा है क्या ये? वाह ठीक है, बढ़िया 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 दिख रहा है, चलिए लिंकिंग वर्ड हो गया। ठीक है सर, क्या ये भी चेंज होंगे? ये भी चेंज हो, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है सर, क्या सर
जब हम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, जब रिपोर्टेड क्लोज को जब हम यहां रख रहे हैं इस रिपोर्टिंग क्लोज से जोड़कर, तो क्या ये तीन टाइप के सेंटेंस सेम उतरेंगे? क्या ये तीन टाइप के सेंटेंस सेम उतरेंगे? नहीं सर, नहीं। हमेशा जो यहां पर सेंटेंस होगा, हमेशा जो यहां पर सेंटेंस होगा वो सेंटेंस क्या होगा? स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट होना चाहिए या असर्टिव होना चाहिए? स्टेटमेंट होना चाहिए या क्या होना चाहिए? असर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। यानी हम क्या कह सकते हैं, सुंदर सी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि सर इससे एंड होगा हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, इससे एंड होगा फुल स्टॉप से एंड होगा सर हमेशा। कौन सा? रिपोर्टेड क्लोज जो है वो हमेशा किससे एंड होगा? ठीक है, रिपोर्टेड जो क्लोज है वो हमेशा किससे एंड होगा सर? फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप से एंड होने का मतलब है या तो यहां पर सब्जेक्ट आएगा, या तो यहां पर सब्जेक्ट आएगा, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वर्ब को हम टू से जोड़ेंगे। वर्ब से हम किस वर्ब को हम किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। तो फिलहाल मैं यहां पर दो बात लिख देता हूं, टू प्लस वर्ब प्लस वर्ड्स फुल स्टॉप, या सब्जेक्ट वर्ब और वर्ड्स और फुल स्टॉप। राइट, बिल्कुल इसको अच्छे से लिखना, तभी मैंने बोला एक अच्छे से बढ़िया मोटे मोटे शब्द। दो तरीके की चीजें हो सकती है, लिंकिंग वर्ड से ये और ये क्या करेगा? जुड़ जाएगा। लिंकिंग वर्ड से ये और ये वाक्य क्या होगा? जुड़ जाएगा। थिंकिंग वर्ड से ये और ये वाक्य क्या होगा? जुड़ जाएगा। थिंकिंग वर्ड को थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं। जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक सेकंड बस आइए। इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए, यानी रिपोर्टिंग क्लोज को रिपोर्टेड क्लोज से जोड़ने के लिए यहाँ पर लिंकिंग डिवाइस या लिंकिंग वर्ड काम में ठीक है। अब दिक्कत नहीं है ना, दिख रहा होगा ये, ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो अब ये वाला जो सेंटेंस होगा इसमें ना तो कोई कोमा है ना इन्वर्टेड कोमा है, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, कोई मार्क वार्क नहीं, केवल फुल स्टॉप है। असर्टिव बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट चेंज्ड वर्ब ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब प्लस वर्ड्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है। इस वाक्य को हम बोलेंगे कौन सा वाक्य? इनडायरेक्ट। कौन सा स्पीच बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, टीचर बनो आप, पटवारी बनो आप, एसएससी बनो आप, कोई भी चीज में जाओ आप, बैंक की तैयारी करो आप, ये जो फॉर्मेट हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम है ना, मजा आ जाएगा। कोई भी सेंटेंस जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का सॉल्व करेंगे तो कम से कम आप स्ट्रक्चर वाइज उसको समझ तो पाएंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। देर बाद फुल स्टॉप वाले सभी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच का हर वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा? नहीं होगा, तो फिर लिंकिंग वर्ब में या लिंकिंग डिवाइस में हम टू यहाँ पर लगाएंगे और इसको पूरा जोड़ देंगे, लगेगा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, ये ध्यान। तो जब भी आपके पास चार ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क वाला या एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला ऑप्शन हो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगना है, गलत गलत गलत। कोई सा सेंटेंस दे दो आप मुझे, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 15 से 20 सेकंड लगाऊंगा, 25 सेकंड लगाऊंगा, बहुत ज्यादा हो गए 25 सेकंड तो,
उस सेंटेंस को सॉल्व करना है, कोई सा भी डायरेक्ट ट्राई का सेंटेंस, तो वही तरीका मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट में जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वही तरीका आपको सिखाऊंगा। चलो अब एक बार इसको आप अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, शानदार। सॉरी, देखो क्लियर बात समझ में आया होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप पहचान पाएंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड क्लोज में क्या बेसिक डिफरेंस है, किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान। ठीक बात है, लेना थोड़ा सा और बचा हो तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है, प्रैक्टिस लिख देता हूँ उसकी जगह, प्रैक्टिस। She said to me, I want to meet you. कौन सा सेंटेंस है ये? लिखना है आगे, पर आगे लिखना है कौन सा सेंटेंस। He said to me, are you my friend? तुम मेरे दोस्त हो? Rahul told me that Rahul told me that I was not with him. ये कौन सा सेट है? Mother advised me to
वर्क हार्ड फॉर माय फैमिली. ये कौन सा है? ठीक है, प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस का टिप क्या है? Identify speeches. क्या identify speech? Speech identify करो. Speech identify करो. एक बात आइडेंटिफाई कर लिया होगा. ही सेड टू मी आई वांट. वांट का मतलब विल नॉट मीट यू. यहां पर देखो कोमा भी है, इन्वर्टेड कोमा भी है. ये सेंटेंस कौन सा स्पीच हो गया? कौन सा स्पीच हो गया? ये डायरेक्ट स्पीच. क्या इसमें भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है? ठीक है सर, ये भी क्या हो गया? सॉरी, ये हो गया डायरेक्ट. में कहीं कोई कॉमा नहीं है, बीच में लिंक वर्ड भी लगा हुआ है एल डब्ल्यू. यहाँ पर ये है एल डब्ल्यू का काम कर रहा है. ठीक है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच. ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट. इस तरीके से आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे पहचाने डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच. तरीके से उनमें चीज़ें होती है, पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेंटेंस को क्या बोलते हैं. ठीक है, दोनों से हमेशा एक बात आप जरूर लिख लेना कि व्हेन रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड क्लोज आर जॉइंड बाय अ लिंकिंग डिवाइस और अ कंजंक्शन. It is called complex sentence. Or we can say the indirect speech or the indirect जो sentence बनेगा ना वो हमेशा complex sentence बनेगा. इस तरीके से हम बात करते हैं. चलो तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में आते ही आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच को और कितने तरीके से हम लिख सकते हैं. मतलब खोल खोल के पूरी अच्छे से रामायण की हम बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. आज की क्लास से हमें इतना समझने को मिलेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कॉमन पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट में क्या होता है, कौन सा सेंटेंस कैसा होता है. आई होप समझ में आया होगा. अपना प्यार बरकरार रखिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.